बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ्फाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द वीडियो सेशन ऑफ माय इंग्लिश बुक 7 फॉर क्लास 7। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी कंप्लीटेड फ्यू एक्सरसाइजेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड एन एक्सरसाइज ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हमारा 5th वीडियो लेक्चर है और इससे पिछली वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी और उसके साथ साथ लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया था। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एक्सरसाइजेस ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस को मज़ीद डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चलिए चल के देखते हैं पेज नंबर 84 पर। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 84 हमारे सामने है बिल्कुल, और इसमें हमसे क्या टास्क हमें दिया गया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको देख लेते हैं अच्छी तरह ताकि आप भी इसको समझ सकें और आपके पास इस टाइम पर बुक होनी चाहिए ताकि आपको जो जो काम बताया जाए ऑन द स्पॉट आप उसको करते जाएं। देखिए एक्सरसाइज 2 में लिखा हुआ है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द टेबल अबव। यू कैन सी ईच एडजेक्टिव ओनली, यू कैन यूज ईच एडजेक्टिव ओनली वंस। कि आपको जो एक्सरसाइज 1 में जो टेबल के अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखे थे, आपने खुद लिखे थे वो, उनमें से आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, बट आप सिर्फ एक एडजेक्टिव को एक ही दफ़ा ब्लैंक में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ही एडजेक्टिव को आप बार बार यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डू द एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करने का कहा गया है, यहाँ कॉपी में करने का, बट ये एक्सरसाइज 2 आपको बुक में ही सॉल्व करनी है, इसको कॉपी में सॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए ज़रा इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, दीज डेज माई फादर डज नॉट हैव एनी वर्क, ही इज अ जॉबलेस पर्सन। कि आजकल मेरे वालिद साहब के पास कोई काम नहीं है, वो जॉबलेस है। अब देखिए जॉबलेस वर्ड को यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक में फिल किया है। ठीक है ना, अब देखिए अगला है सेंटेंस, शी इज अ काइंड वुमन, शी ट्रीट्स एवरीवन इन अ मदरली मैनर। वो एक बहुत रहमदिल खातून है और वो हर एक से बहुत मोहब्बत और शफकत वाला मामला करती है, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आती हैं। इसके बाद अब हमने इन एक्सरसाइज अपना ब्लैंक को, हर एक ब्लैंक को वन बाय वन सॉल्व करना है और देखते जाना है कि हम उसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 हमारे सामने है, द ट्रैवलर वर टायर्ड बट इन द डैश डेजर्ट They could not find any shady place to rest। कह रहे हैं कि जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर लोग जो हैं वो थके हुए हैं, थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डैश डेजर्ट में, ऐसे सहरा में, सहरा में क्या नहीं होते। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि सहरा में दरख्त नहीं होते तो उसकी वजह से उनको कोई सायादार जगह नहीं मिली। तो हमने वर्ड पढ़ा था ट्री लेस, याद है आपको, ट्री लेस। तो हम यहाँ पर वो वर्ड लिख देते हैं, टी आर डबल ई ट्री एल ई डबल एस, ट्री लेस, द ट्री लेस डेजर्ट। ठीक है, ट्री लेस डेजर्ट, क्लियर हो गई बात। तो इससे हमने इस ब्लैंक को फिल कर दिया, आप इस ब्लैंक को पेन से ही फिल करेंगे। नंबर 2 पर देख लीजिए, एवरी सिटीजन वॉन्ट्स टू लीड अ डैश लाइफ। डैश लाइफ, हर एक शहरी कैसी जिंदगी गुजारना, हम सब कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम सब लोग यकीनन
पुरअमन पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमने एक वर्ड पढ़ा है पीस, पीस का मतलब अमन, और उसके साथ हमने वर्ड लगाया था पीसफुल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पीसफुल, पी ई ए सी ई एफ यू एल, पीसफुल लाइफ, ठीक है। आई थिंक आंसर क्लियर होगा, आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद नंबर थ्री में है द डैश क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन शो दैट दे हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन। कैसे कपड़ों से पता लगेगा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे थे? वेरी गुड। डर्टी, डर्टी क्लोथ्स से पता लगेगा, तो यहां पर लिख दिया हमने डी आई आर टी वाई, डर्टी, ठीक है। डर्टी क्लोथ्स को देखकर अंदाजा होगा कि वो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। नंबर फोर है आई लाइक माई न्यू नेबर्स बिकॉज दे आर वेरी डैश पीपल। कैसे लोग पसंद होते हैं? जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जल्दी वो ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। हमने इसमें पढ़ा था कि एल वाई ऐड कर लेंगे तो वर्ड बन जाएगा फ्रेंडली, ठीक है, एडजेक्टिव बन गया फ्रेंडली। नंबर फाइव, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ वी नीड बोथ प्रैक्टिकल एंड डैश नॉलेज। प्रैक्टिकल के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज, दूसरी कौन सी नॉलेज होती है? जी हाँ बिल्कुल, जो बुक्स से हम हासिल करते हैं। एक नॉलेज वो होती है जो हम अपने तजर्बे से हासिल करते हैं, दूसरी नॉलेज वो होती है जो हम पढ़कर हासिल करते हैं, उसको कहते हैं बुकिश नॉलेज, ठीक है। हमने वर्ड पढ़ा था बुक और उसके साथ आई एस एच लगाया था, वही वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर बी डबल ओ के आई एस एच, बुकिश, ठीक है। इसके बाद नंबर सिक्स में देखिए डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, डू नॉट लीड एंड डैश लाइफ। कौन सी लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए जिसका कोई मकसद ना हो, बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। तो मकसद को कहते हैं एम, हमने पढ़ा था उसमें एल ई डबल एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एमलेस, हमने ये वर्ड बनाया भी था, सही है ना। मैं वही वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ ए आई एम एल ई डबल एस, एमलेस, ठीक है। आपने इसको पेन से सॉल्व करना होगा, मैं पेंसिल से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कराता रहता हूँ। नंबर सेवन डैश ड्राइवर्स ऑलवेज ड्राइव द कार विद इन द स्पीड लिमिट। कौन से ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ, जो केयरफुल ड्राइव करते हैं, केयरफुली ड्राइव करते हैं। तो मैंने वर्ड लिखा सी ए आर ई, हमने पढ़ा था केयर के बाद एफ यू एल इसमें ऐड कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा केयरफुल, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, तो इसका बिगिनिंग लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा सी। नंबर एट वी हैव वेरी डैश वेदर टुडे, इफ यू वर्क आउटसाइड योर पेपर्स विल फ्लाई अवे। कैसा मौसम होगा जिसमें पेपर्स उड़ जाएंगे, जिसमें हवा ज्यादा चलती होगी? हवा को कहते हैं विंड, डब्ल्यू आई एन डी वाई, विंडी, ठीक है, जिसमें विंड ज़्यादा होगी, विंडी वेदर, ज़्यादा तेज़ हवा वाला मौसम, तो उसमें चीज़ें वगैरह संभालना मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी। नंबर नाइन सम स्कूल्स हैव एन डैश टाइम टेबल बट सम हैव क्लासेस ऑफ 40 मिनट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्लासेस जो है 40 मिनट्स की, जैसे हमारे स्कूल में भी होता है, बट कुछ में ज्यादा होती है एन डैश टाइम टेबल, यानी पूरे के पूरे आवर के हिसाब से होता है, तो कहते हैं आवरली, एच ओ यू आर एल वाई, आवरली टाइम टेबल, सही है। आवरली टाइम टेबल जो घंटे के हिसाब से चलता है कि हर एक घंटा जब ख़त्म होता है तो फिर उनका पीरियड भी ऑफ होता है।
Number 10, we drink sweet tea but people in Gilgit Baltistan drink dash tea. पता नहीं आपको ये पता हो या ना पता हो, बट उन इलाकों में लोग चाय में, टी में सॉल्ट यूज करते हैं, नमक डाल के पीते हैं. तो सॉल्ट के साथ हमने पढ़ा था कि आई एस एच लगाते हैं, एस ए एल टी आई एस एच, सॉल्टिश टी. ठीक है भाई स्टूडेंट्स, सॉल्टिश टी. आई होप ये क्लियर हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट पर एक्सरसाइज 5 है, जिसमें हमने क्या करने हैं, 5 एक्सरसाइज 3 है जिसमें हमने 5 एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी कॉपी के अंदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 83 पर. इन वर्ड्स को जिनको हमने खुद बनाया था, इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 वर्ड्स आ गए, तो हम उनके 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं. बीच में से हमने वर्ड्स निकाल लिए और हमने उनके सेंटेंसेस बना लिए. मैं आपको ये सेंटेंसेस बताता जाता हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कोई कॉपी या कोई रफ पेज लेके, फिर आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. पहला वर्ड मैंने लिया है एंडलेस, और उसका सेंटेंस मैंने बनाया, आप भी बना सकते हैं, दिस इज एन एंडलेस रोड. ठीक है, सेंटेंस बना दिया, दिस इज एन एंडलेस रोड. नंबर 2, दैट इज एन एयरी रूम. मैंने वर्ड लिया एयरी, ए आई आर वाई, तो सेंटेंस बन गया दैट इज एन एयरी रूम. नंबर 3, ही इज अ होपफुल पर्सन. वर्ड लिया होपफुल, ही इज अ होपफुल पर्सन. नंबर 4, मैंने वर्ड लिया फ्रेंडली, और सेंटेंस बन गया वी हैव अ फ्रेंडली मैच टुडे, वी हैव अ फ्रेंडली मैच टुडे. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास सेंटेंस आ गया दे हैव बुकिश इंफॉर्मेशन. मैंने वर्ड यूज किया यहां पे बुकिश, और सेंटेंस बनाया दे हैव बुकिश इंफॉर्मेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये 5 सेंटेंसेस बन गए. आपने अपनी कॉपी में जस्ट मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की, हाफ हाफ इंच में, और डेट्स डालनी है, पेज नंबर डालने है, उसके बाद अपनी सेंटेंसेस की हेडिंग डालनी है, एक्सरसाइज 3 की हेडिंग डालनी है, फिर सेंटेंसेस की हेडिंग डालनी है, और उसके बाद जो ये सेंटेंसेस मैंने बताए ये आपको लिखते चले जाने. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज 4 से पहले वर्ड्स सेंटेंसेस को क्वेश्चन में चेंज करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि किस तरह से सेंटेंसेस को क्वेश्चन में चेंज करते हैं. तो उसमें पहले ये बताया गया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम आंसर यस नो करके कह सकते हैं, उनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज दिस योर ड्रेस, तो आप आंसर में यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं. कैन वी गो, तो आप आंसर में यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं. हैव यू ईटन, आप यस और नो कह सकते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं और इनके सामने इनके यस नो क्वेश्चन बनाए. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते बल्कि एक्सप्लेन करना होता है, उनके लिए हम डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, फिर उसके बाद वेयर. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें डब्ल्यू एच आता है, उन वर्ड्स को हम क्वेश्चन से पहले ऐड कर देते हैं. देखिए क्वेश्चन पूरा बना हुआ है और डब्ल्यू एच वर्ड उसके शुरू में लगा हुआ है, इन क्वेश्चंस को डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहते हैं, और इनके आंसर में हम यस नो नहीं कह सकते बल्कि हमें एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ कि यस नो क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट से, और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली कि इसमें किस तरीके से काम होगा, और उसके बाद अब मैं आपको ये तरीका बता दूं कि
अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव हम किस तरह बनाएंगे? दो तरीके हैं, बोर्ड पर दोनों तरीके लिखे हुए हैं फार्मूलाज के साथ, और इसलिए बनाएं फार्मूलाज कि आप अपनी ग्रामर की बुक में जब आपने टेंसेस पढ़े थे तो आप ये पढ़ चुके हैं। देखिए, जो कॉमन सेंटेंस जो होता है हमारा, जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है, उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ कभी कभी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जैसे कि अभी ये सेंटेंस आपके सामने है, द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, ठीक है, द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। आपको याद होगा हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था जब टेंसेस पढ़े थे कि ऐसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प के लिए यूज़ होता है। अगर सिर्फ द हॉर्स ईटिंग ग्रास आएगा तो सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक रहेगी, इसलिए हम इज वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो अब आ गया सेंटेंस द हॉर्स इज ईटिंग एप्पल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो दो तरीकों से इंट्रोगेटिव में चेंज हो सकता है, दोनों तरीके यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैंने बताया था कि सेंटेंस में कभी कभी नॉर्मली हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे द हॉर्स सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब, और ग्रास ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये आप प्रेप से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट के बजाय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब इज को हम सबसे पहले ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस था द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि बिल्कुल स्टार्ट में आ गया तो अब सेंटेंस बन गया इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास। लास्ट में चूंकि ये इंट्रोगेटिव बन गए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, ठीक है। पहले सेंटेंस है द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, अब हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले गए तो सेंटेंस क्या बना, इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब हमें कोई सा भी सेंटेंस ऐसा मिल जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, तो हम क्या करेंगे कि उसमें इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएंगे, बिल्कुल सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड बना देंगे, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम वहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस मैं आपको एक्सरसाइज में से देता हूँ, सेंटेंस है सबा कैन सिंग ब्यूटिफुली, बल्कि इसके बजाय मैं आपको और भी ज़्यादा इससे इजी सेंटेंसेस दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव के इस वाले उसमें बनाएंगे तो कैसे बनेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले ले जाएंगे, आर और उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद मेन वर्ब प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस ऐसा हमें मिले जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो मेन वर्ब भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड बन जाता है और फिर रिमेनिंग वर्ड्स जो है वो सीक्वेंस में लगते हैं, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। आपके सामने ये आ गया, द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास को हमने बना दिया इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके बाद हमें WH words मैंने बताया था, जो ऐसे words होते हैं जिसमें WH आता है. फॉर example, when, where, why, और इसी तरह what, how, ये सारे के सारे ऐसे words हैं जिनको हम कहते हैं WH words. ये WH वाले words जो होते हैं, इन वर्ड्स को हम जब क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो इनको हम सेंटेंस के शुरू में लेकर आ जाते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके शुरू में आप WH वर्ड लगा दें. ठीक है, तो WH वर्ड लगने से इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड का इजाफा होगा और कुछ भी नहीं होगा. जैसे यहाँ मैंने लगा दिया वेयर, पहले सेंटेंस क्या था, इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, अब बन गया वेयर इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास. अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में दो डिफरेंसेस हैं, एक वर्ड डिफरेंस तो वर्ड्स का है और एक डिफरेंस मीनिंग का है. पहले डिफरेंस में क्या है, इस सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ड, एक डब्ल्यू एच वर्ड वेयर का इजाफा हो गया, सही है, एडिशन हो गया, वेयर हमने इसमें लिख दिया. दूसरा इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या आ गया कि पहले सेंटेंस का मतलब था इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, क्या घोड़ा घास खा रहा है, तो इसका आंसर आप सिर्फ यस या फिर नो से दे सकते थे. ठीक है, जैसे अगर वाकई ऐसा है तो आप कह देंगे यस, और अगर ऐसा नहीं है, घोड़ा घास नहीं खा रहा, तो आप कह देंगे नो. ठीक है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड की वजह से अब इस सेंटेंस का आंसर हम यस और नो से नहीं देंगे, बल्कि ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन चाहता है. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. जैसे डब्ल्यू एच वर्ड में लिखा है वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर इज द हॉर्स ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास कहाँ खा रहा है, यानी किस जगह पर इस वक्त घोड़ा मौजूद है और वहाँ खड़ा होकर घास खा रहा है, तो इसके आंसर में आप यस और नो बोलकर जवाब नहीं दे सकते, बल्कि आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. क्लियर हो गई बात, तो ये डिफरेंस आ गया डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर का, के डब्ल्यू एच वर्ड लगाने से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. और उसका तरीका बिल्कुल आसान है कि जो हम कॉमनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले जाते हैं, उससे भी पहले हमें सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड लगाना होगा. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड के साथ बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम बैक टू the exercises of this portion and inshallah you will learn more and you will practice more. अब हम दोबारा exercise की तरफ चलते हैं ताकि आप और ज़्यादा practice करें और ज़्यादा सीखें और आपके लिए sentences बनाने easy हो जाएं. Dear students, WH questions और yes no questions को समझने के बाद अब आपको एक छोटा सा task मिला है. वो task क्या है कि आपने जो आपको नीचे यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं एक्सरसाइज 4 में पेज 86 पर, देखिए पेज 86 है मेरे सामने और एक्सरसाइज नंबर 4 है. इस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ थोड़ा सा काम करना है जिसकी वजह से हमें आसानी होगी. ठीक है, क्या करना है, ये हमें टास्क दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स underline the main verb 2 times and the helping verb once with a pencil. आपने main verb को double underline करना है और helping verb को single underline करना है. ठीक है, once you have completed compare your answers with your partner. अभी जो मैंने आपको board पे सारा समझाया है कि helping verb क्या होता है, main verb क्या होता है, अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखिए सेंटेंस है द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, द हॉर्स सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग
मेन वर्ब और ग्रास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने देखिए हेल्पिंग वर्ब को सिंगल अंडरलाइन किया और मेन वर्ब को डबल अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस नंबर टू, आई एम अ टीचर, इसमें एक ही वर्ब है और यही मेन वर्ब है, तो देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, डबल अंडरलाइन। नंबर थ्री है वी लव पाकिस्तान, तो इस सेंटेंस में लव जो वर्ब है यही मेन वर्ब है, एक ही वर्ब यूज्ड है, तो मैंने इसको डबल अंडरलाइन किया है। नंबर फोर पर है सबा कैन सिंग ब्यूटीफुली, तो इस सेंटेंस में सबा सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब और सिंग मेन वर्ब, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए मैंने कैन को सिंगल अंडरलाइन किया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और कैन को अंडरलाइन किया सिंगल क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिंग को मैंने डबल अंडरलाइन किया क्योंकि ये मेन वर्ब है। इसके बाद नंबर फाइव पर है द ट्रेन इज लेट, इस सेंटेंस में सिर्फ इज वर्ब है और यही मेन वर्ब है, इसको डबल अंडरलाइन किया गया है। ये वाला काम चूंकि आपको बुक में कहा गया है कि ये पेंसिल से करना है, तो आप इसको पेंसिल से ही कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर सिक्स पर है ताहिर एंड जावेद विल गो टू लाहौर, इसमें एक वर्ब है विल और एक वर्ब है गो, तो विल हेल्पिंग वर्ब था इसलिए इसको सिंगल अंडरलाइन किया, और गो मेन वर्ब है इसको डबल अंडरलाइन किया है। We have eaten our food. इसमें एक हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब है eaten. Have को मैंने सिंगल अंडरलाइन किया और eaten को डबल अंडरलाइन किया है। नंबर एट पर द ओल्ड मैन वॉज लॉस्ट, तो इसमें एक ही वर्ब है वॉज और यही मेन वर्ब है, इसको डबल अंडरलाइन कर लिया गया। इसके बाद है नंबर नाइन पर ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक वर्ब है आर और एक वर्ब है प्लेइंग, ये मेन रोल अदा कर रहा है, इसको मेन वर्ब कहते हैं और ये सपोर्टिंग है तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए सिंगल अंडरलाइन हुआ हुआ है और ये डबल अंडरलाइन है। लास्ट सेंटेंस है माई सिस्टर बाइज न्यू बुक्स एवरी ईयर, माई सिस्टर सब्जेक्ट, बाइज वर्ब और उसके बाद न्यू बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक ही वर्ब है बाइज, यही मेन वर्ब है, तो इसको डबल अंडरलाइन किया गया है स्टूडेंट्स। तो आपको इस एक्सरसाइज फोर में यही करना था कि जो मेन वर्ब्स हैं उनको डबल अंडरलाइन करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सिंगल अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट द एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज हमने आज डिस्कस की हैं वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जो काम मैंने वीडियो में कराया है वही काम आपको करना होगा, अपनी बुक में जो कॉपी में बताया वो कॉपी में करना होगा। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी तरफ से आपको बहुत ताकीद से ये एडवाइस है कि जो काम आपको कराया गया है वीडियो में, जो बुक में करने का है वो तो आप फौरन कर लें, जो कॉपी में करने का है इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसकी PDF मिल जाएगी, आप उसको कॉपी में वैसे ही कर लेंगे जैसे PDF बना के आपको दी जाएगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स टिल द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।